जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता ललित सांचौरा का मानना है कि पार्टियों में जिस तरह से टिकट की पहली सूची जारी होने के बाद से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, वे ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पार्टी को तरजीह देनी चाहिए और टिकट पार्टी का अधिकार है, दे ना दे, लेकिन जनसेवा के संकल्प के साथ विरोध के सुर को उतना ही रखना चाहिए जो मर्यादित होकर विरोध व्यक्त कर सके। उन्होंने वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में चल रहे विरोध के आंदोलन को लेकर कहा कि पार्टी इसे टिकट दे रही है, ये पार्टी अच्छी तरह से विचार विमर्श के बाद तय करती है। उन्होंने कहा कि स्वयं भी आकलन करना चाहिए कि हमने धरातल पर आकर क्या काम किया और जनता हमारे साथ है या नहीं है, उसके बाद ही ये इस तरह के विरोध की बात की जानी चाहिए। उनका मानना था कि अनुशासित कार्यकर्ता की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और पार्टी के राजनीतिक फैसलों को स्वीकार करना चाहिए। सर, बीजेपी के अंदर जो चल रहा है अभी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो पार्टी टिकट देती है अपने हिसाब से लेती है, लेकिन विरोध कुछ हद तक थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना विरोध भी नहीं हो कि उसका नेगेटिव इफेक्ट हो। और जो जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी ज़मीन भी देखें कि वो किस ज़मीन पे कहाँ खड़े थे, कब खड़े थे, आम जनता के लिए क्या खड़े थे, उनके टिकट क्यों कटे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। पार्टी सर्वोपरि होती है और पार्टी के डिसीजन के हिसाब से मूव करना चाहिए। ठीक है, अपना हल्का फुल्का विरोध तो आप दर्ज करा लें, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विरोध एक लिमिट तक होना चाहिए। जी, इतना नहीं हो कि साहब आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि आप धरातल में देखें आपने क्या काम किए पिछले कई सालों में, आम जनता आपके साथ है कि नहीं, आम जनता आपके लिए बोल रही है कि नहीं, आप मुट्ठी पर आदमी लेकर विरोध कर रहे हैं, आपका लुकआउट है। जी, इसको लेकर पार्टी पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो आम जनता जो लोग है वो पार्टी को देख के आगे बढ़ते हैं। जी, और इस पे बीजेपी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टी का डिसीजन है, किसी को टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, जी जैसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। जिनको टिकट दिया है वो आराम से चुनाव जीतेंगे। सर, बीजेपी के अंदर अभी तक सीएम का चेहरा स्थापित नहीं किया गया, वो ये पार्टी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है, या उन्होंने जो ऑलरेडी जैसे शीर्ष नेतृत्व ने बोला था कि पार्टी का चेहरा जो है वो मोदी जी रहेगा और कमल का फूल रहेगा, और कमल के फूल के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। जी, तो जीतने के बाद जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा वही राजस्थान का सीएम बनेगा। जी, सर अभी पहले लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें 7 सांसद उतारे गए, ऐसा क्यों? हर कोई चाहता है अपनी जीत हो, पार्टी भी चाहती है। अगर सांसद रोटेशन के हिसाब से राजस्थान में आते हैं, आप नेशनल लेवल से राजस्थान में आते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, उनका एक्सपीरियंस या फायदा होगा और नए लोगों को आगे के लिए मौका मिलेगा। ये रोटेशन तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसा तो हर पार्टी को करना चाहिए। जी, और बीजेपी ने किया है तो ये पूरे इंडिया के हिसाब से कहूँ या भारत के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। कम से कम सांसदों को यहाँ काम करने का मौका मिलेगा और जो लोकल लेवल पे थे उनको भी सांसद बनने का मौका मिलेगा। पार्टी की भी क्या तैयारी चल रही है सर विधानसभा चुनाव को? पूरे जोर शोर से चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है और प्रचंड बहुमत से बीजेपी अपने सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर ललित सिंह सांचौरा, अध्यक्ष जयपुर।